दोस्तों शुभ प्रभात सभी को। मैं शैलेंद्र पटेल स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल SMYP ब्लॉग और अपने नए ब्लॉग पर। दोस्तों सुबह के 6:15 बज रहे हैं इस समय पर। वैसे मैं 5:30 बजे उठ गया था और डेली मेरा यही उठने का टाइम है, 5 से 5:30 बजे के बीच में मैं डेली उठ जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, सुबह उठने का फायदा जो है तो स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होता है। तो आप सब भी जो है तो 4:30 से 5 के बीच में या 5:30 बजे तक आप लोग जो है तो सभी को जग जाना चाहिए, सभी को उठ जाना चाहिए, इसके बाद नहीं सोना चाहिए। ठीक है, और अब जो है तो दोस्तों मैं नहा धो करके और पूजा पाठ करूँगा। आप ये मेरा जो है तो आप यहाँ पे हमने अपने घर में एक मंदिर जो है तो रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ बैक कैमरे से, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये मंदिर, ये हमने एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा सा जो है तो मंदिर रखा हुआ है और हम डेली इसमें जो है तो पूजा करते हैं। तो अब मैं जो है नहा धो करके और पूजा करूंगा दोस्तों। और उसके बाद जो है तो मेरे पास आज बहुत सारा काम है, मुझे अपने बच्चों का पैन कार्ड जो है तो नया पैन कार्ड बनाना है और उसके बाद जो है तो आधार कार्ड में सुधार करना है। तो अगर दोस्तों मैं आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड से मेरे को याद आया कि अगर आपके पैन कार्ड या आधार कार्ड या वोटर कार्ड में कोई दिक्कत है, कोई गलती है तो आप उसका जो है तो सुधार कर सकते हैं घर बैठे। ठीक है, मैं इसमें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा एक यूट्यूब चैनल है SP ट्यूटर, जिसका नाम है SP ट्यूटर। आप यूट्यूब में सर्च करेंगे, लिखेंगे SP और स्पेस देंगे और उसके बाद ट्यूटर लिखेंगे और उसको सर्च करेंगे तो मेरी फ़ोटो जो है उसमें आ जाएगी, जो मेरी प्रोफाइल फ़ोटो है वो आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को आप ओपन करके और आप ये सारी वीडियो देख करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी वीडियो हैं, लगभग 140 वीडियो हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब मैं नहा लेता हूँ, फिर पूजा के वक्त मिलता हूँ, आप भी हमारे साथ पूजा करें। तो दोस्तों अब मैं स्नान करके बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ पूजा पाठ करने के लिए और मैं पूजा पाठ करने जा रहा हूँ। तो आप लोग भी आइए और हमारे साथ पूजा पाठ कीजिए, भगवान के दर्शन कीजिए। दोस्तों पूजा की परंपरा जो है तो हमारे घर में बहुत पुरानी चली आ रही है। पहले हमारे दादाजी जो कि दो भाई थे और दो के दोनों पूजा करते थे, लेकिन वो तो विधिवत पूजा करते थे, उनको सारी पूजा की विधि आती थी। हमें उतनी विधि तो नहीं आती है, पर लेकिन फिर भी हम जो है तो पूजा करते हैं और बहुत अच्छा लगता है और सबको करना चाहिए। आप लोगों को, आपको भी पूजा करना चाहिए घर में, क्योंकि घर में जब दिया जलता है और धूप बत्ती अगरबत्ती जलती है, हवन होता है, तो उसकी खुशबू से पूरा घर जो है तो महक जाता है, पवित्र हो जाता है। तो सबको जो है तो पूजा अपने अपने घरों में करनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा जो है तो आप देख सकते हैं हमने एक प्यारा सा सुंदर सा एक छोटा सा मंदिर जो है तो हमने घर में रखा हुआ है और इसमें जो है तो भगवान जो है तो विराजमान है। ठीक है, हमारे इस मंदिर में लड्डू गोपाल जी हैं, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ हैं और भगवान श्री राम यहाँ पे विराजमान है। ठीक है, ये बहुत अच्छा लगता है पूजा करने के बाद। ठीक है, हमें तो खैर इतनी विधि नहीं आती है, लेकिन जो मेरी धर्म पत्नी जी हैं, मेरी जीवन संगनी हैं, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पूजा पाठ करना आता है, उनकी बहुत आस्था है उनको पूजा में। ठीक है, तो चलिए आज हम पूजा करके दिखाते हैं कि वो हमको सिखाती हैं कि कैसे पूजा करना है। ठीक है, तो अभी चलिए हम पहले सूर्य देवता को जो है तो जल चढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद जो हम पूजा करेंगे। ठीक है,
तो दोस्तों पूजा पाठ जो है तो हो चुकी है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे पूजा पाठ करने के तरीका कैसा लगा, आपको मेरी पूजा पाठ कैसी लगी। और अगर आप में से कोई पूजा पाठ करता है तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि अगर हमारे पूजा पाठ में किसी प्रकार की कोई गलती है, कमी है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए जिससे मैं सुधार कर सकूँ, ठीक है। क्योंकि पूजा पाठ करने की पूरी विधि जो है तो मुझे नहीं आती है, तो जो भी पूजा पाठ करते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप भी अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ घर में करना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा लगता है घर में पूजा पाठ करना, क्योंकि धूप बत्ती दिया जलती है, उसकी खुशबू पूरे घर में फैलती है, तो बहुत अच्छा लगता है, घर का माहौल खुशनुमा रहता है। तो आज का मेरा पूरा दिन जो है व्यस्त जाने वाला है क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारा काम है। अभी मुझे अपने बच्चों के आधार कार्ड में नाम है, जन्मतिथि और एड्रेस है, इनमें सुधार करना है, नया पैन कार्ड बनाना है बच्चों का, तो ये सारा काम जो है मैं घर में करता हूँ। पैन कार्ड और आधार कार्ड से मुझे ध्यान आया दोस्तों, मेरा और एक यूट्यूब में चैनल है जिसका नाम है SP ट्यूटर। तो अगर आप पैन कार्ड में नया पैन कार्ड बनाने का या कोई करेक्शन कोई सुधार करना हो, आधार कार्ड में नाम सुधारना हो या एड्रेस सुधारना हो, तो किस तरीके सुधारना है, वोटर कार्ड नया बनवाना हो या कोई सुधार करवाना हो, तो बहुत सारी वीडियो आपको उसमें मिल जाएगी। अगर ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल SP ट्यूटर पर आप ज़रूर विजिट करें। आप जब भी यूट्यूब ओपन करेंगे उसमें सर्च करेंगे SP और स्पेस देकर के TUTOR आप टाइप करेंगे और उसको सर्च करेंगे तो आपको मेरी प्रोफाइल पिक आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो उसको आप ओपन करके और उसमें आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, सारे के सारे काम की वीडियो हैं, तो आप मेरे उस चैनल पर विजिट करके आप वो सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और हमेशा ही मैं उस चैनल में इंफॉर्मेटिव वीडियो डालता रहता हूँ। अभी मुझे उसमें और भी वीडियो आने वाली है जो कि एक दो दिन में आ जाएगी, कि अगर आप लोग YouTube में आना चाहते हैं और YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं तो YouTube में कैसे आएंगे, कैसे चैनल बनाएंगे, कैसे चैनल बनाना है, YouTube से कैसे पैसे मिलते हैं, कैसे पैसे कमाए जाते हैं, तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको उसमें जो है तो मिलने वाली हैं। इसलिए आपने उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, मेरे उस YouTube चैनल SP ट्यूटर को आपने सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ उसका जो बेल आइकन है प्रेस करके उसके ऑल नोटिफिकेशन को आपने ऑन कर लेना है, क्योंकि मैं जब वीडियो डालूंगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो आप वीडियो नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो आपने उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है, ठीक है। तो इसी के साथ आज मैं अपने इस ब्लॉग को समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, अगर इस ब्लॉग में कोई कमी है तो भी कमेंट करके हमें बताइएगा ताकि मैं और इसमें आगे सुधार कर सकूँ, ठीक है। अब ये जो है तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत है, अभी ये मेरा सेकंड ब्लॉग है। पहला ब्लॉग मैंने डाला था जो कि फिनिक्स सिटाडेल मॉल का था, और आगे जो मेरे इस चैनल SMYP ब्लॉग में आपको जो है तो बहुत सारी वीडियो मिलने वाली है जो कि इंडिया के खूबसूरत जगहों की वीडियो आपको जो है तो आगे चल के मिलने वाली है। 24 तारीख से मेरा जो है लेह लद्दाख की यात्रा शुरू होने वाली है, तो आपको लेह लद्दाख की पूरी सीरीज जो है तो आपको दिखाई देगी, यात्रा से संबंधित आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आप कैसे लेह लद्दाख पहुँच सकते हैं, कब पहुँच सकते हैं और कहाँ कहाँ लद्दाख घूमना चाहिए, कब जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको इंडिया के खूबसूरत जगहों को आपको जो है जगहों की वीडियो आपको इसमें देखने को मिलेगी, इसलिए आपने इस चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है ताकि आपको मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो देख सकें। तो आज के ब्लॉग में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, और वीडियो देखने के लिए, मेरा ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद।